और चलिए एक बड़ी जानकारी आपको रोहतक से दे दें। रोहतक में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। दरअसल देर रात 1:50 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। 2.9 इसकी तीव्रता मापी गई है और लोग डरे हुए हैं इस बात से, क्योंकि एक महीने के अंदर कई बार भूकंप के आने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। रात 1:50 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.9 मापी गई है। रोहतक में बार बार भूकंप आ रहा है, इसकी वजह क्या है लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि एक महीने में कई बार भूकंप के आने से वो काफ़ी डरे हुए हैं। और देर रात 1:50 पर जानकारी मिल रही है कि रोहतक में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। हालांकि तीव्रता काफ़ी कम रही है, 2.9 रही है, लेकिन इस तरीके के हल्की तीव्रता के भूकंप के झटके लोगों ने कई बार एक महीने के भीतर महसूस किए, जिसके वो डरे हुए हैं। उनका कहना है कि रोहतक में बार बार भूकंप आ रहा है और एक दहशत का माहौल इसकी वजह से बना हुआ है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, देर रात की तस्वीरें सामने आई और उस वक्त ज़्यादातर आप समझ सकते हैं कि रात का समय होने की वजह से ज़्यादातर लोग सो रहे थे, लेकिन जानकारी है कि 1:50 पर ये भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.9 मापी गई है और आपको बता दें कि बार बार रोहतक में भूकंप के झटके आ रहे हैं और एक महीने के भीतर कई बार भूकंप आ चुके हैं।